हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का वेवी लाइन क्रिएट करना सीखने वाले हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल एन से मैं एक नया प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, जिसका मैं कॉमन सा डायमेंशन रखता हूँ 1366x768 पिक्सल। आप चाहें तो बैकग्राउंड अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो ये वेवी लाइन है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का बनाऊंगा, और बाद में सिखाऊंगा कि कैसे आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब आप रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करिए, शॉर्टकट एम का यूज कर सकते हैं, और इसकी विड्थ 1366 रहने देंगे और इसकी हाइट को अराउंड 15 करेंगे एंड देन से ओके। अब इसकी अलाइनमेंट को हम सेंट्रली कर लेंगे और टॉप मोस्ट पे डालेंगे। इसकी स्ट्रोक कर देंगे हम नॉन, और इसकी कलर को हम चेंज करके कर देंगे ब्लैक। अब हम इस शेप को सिलेक्ट किए रहेंगे, जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंडर में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो वर्टिकल मूव है उससे हम बढ़ाकर कर देंगे अराउंड 30। इसकी वर्टिकल मूव बढ़ाकर करेंगे हम 30, और इसकी कॉपीज को हम बढ़ाते जाएंगे जब तक यह पूरा कवर नहीं हो जाए। इस तरह से कवर होने के बाद हम कर सकते हैं इसे ओके। ओके करने के बाद अब आप इन शेप को सिलेक्ट किए रहेंगे और ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन में जाकर इनवेलप और डिस्टॉर्ट के अंडर में यहाँ पर मेक विथ मेस को सिलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर रो वाई कॉलम का रेशियो मैं अराउंड 5:10 ही रखता हूँ एंड देन सिलेक्ट ओके। ये होने के बाद अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करिए। आप शॉर्टकट ए का यूज कर सकते हैं और शिफ्ट के साथ ये मिडिल वाला जितने भी एंकर पॉइंट है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से ये मिडिल वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट होने के बाद आप इस एंकर पॉइंट को कुछ इस तरह से मूव कर सकते हैं, जैसे भी आप मूव करना चाहें उसे। एंकर पॉइंट को इस तरह से मूव कर ले। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किए रहे हैं, और जितने भी एंकर पॉइंट दिख रहे हैं उसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं और मूवमेंट दे सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा मूवमेंट दे सकते हैं और उस तरह की वेवनेस क्रिएट कर सकते हैं इन शेप के अंडर में। और कुछ ऐसा करने के बाद अब आप नॉर्मल सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करिए और इसकी स्केल को शिफ्ट के साथ थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, और इसे कुछ रोटेशन दे दीजिए जैसा भी आप करना चाहते हैं। आप चाहें तो नॉर्मली अल्ट के साथ इसकी स्केल को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। आप जिस तरह से भी आप रोटेशन देना चाहें उस तरह से रोटेशन दे सकते हैं। शिफ्ट के साथ इसकी स्केल को बढ़ा घटा कर सकते हैं। स्केल को एडजस्ट करने के बाद और इसकी प्रोफाइल को शेप में एडजस्ट करने के बाद अब आप फिर से एक रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर मैं 1366x768 जो मेरा वर्क प्रोफाइल था उसका एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। इसकी कलर को मैं चेंज करके करूँगा वाइट, और इसकी अलाइनमेंट मैं कर दूंगा सेंट्रली, फुली सेंट्रली अलाइन होने के बाद अब हम फिर से नॉर्मल सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और इन शेप को सिलेक्ट करेंगे जो भी इस शेप पे लाई कर रहे हैं, और इसके ऑब्जेक्ट के अंडर में जाकर यहाँ पर क्लिपिंग मास्क को मेक कर देंगे। Ctrl 7 का आप यूज कर सकते हैं शॉर्टकट, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं फिट टू स्क्रीन करके दिखा सकता हूँ कि इस तरह से हमारा क्लिपिंग मास्क तैयार हो चुका है। अगर आप इस क्लिपिंग मास्क की कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस शेप को सिलेक्ट करें, लेयर वाले के अंदर में एक और लेयर को सिलेक्ट करें, ये जो रेक्टेंगल है, और इसकी आप कलर को जैसा चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी कलर भी चेंज हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।